शिमला पहुंचने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर बाहर स्टेशन से कुछ दूर बाहर आने के बाद यहाँ पर एक होटल में पैकेज बुक किया है ऑफिस है घूमने का। तो आज हम लोग घूमेंगे, शिमला सिटी को एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद कल मनाली के लिए निकलेंगे, फिर कुल्लू के लिए निकलेंगे, फिर उसके बाद फिर वहाँ से फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे होटल में बातचीत किए और बातचीत करने के बाद हम लोगों का रेट पड़ा है, वो सारा इंक्लूड करके कितना खर्चा होता है क्या होता है सारा इंक्लूड करके एक बार हम आपको खर्चा बता देंगे। तो फाइनली हम लोगों ने पैकेज बुक कर लिया है। तो पैकेज हम लोग का पड़ा है दो लोगों का 10,500 रुपये। गुड आफ्टरनून गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अभी हम लोग निकले हुए हैं फ्री के लिए, और फ्री कितना दूर है यहाँ से? 22 तो शिमला से सिटी सेंटर से कुफरी 22 किलोमीटर है। तो हम लोग ने उसी पैकेज में ये कार के थ्रू जा रहे हैं जो बुकिंग किए थे, और आज ही हम लोग का लौटने का प्रोग्राम है कुफरी से। तो आगे चलिए देखते हैं, रास्ते में जो भी साइट सीन आएंगे वो भी आपको दिखाते चलेंगे। जैसे ग्रीन वैली आएगा, वाइट हॉल आएगा, फिर आपका ऊपर एप्पल गार्डन आएगा, फन वर्ल्ड आएगा, अभी ऑल एडवेंचर हो जाएगा जो आपको मनाली में नहीं मिलेगा ना। हाँ, वो एडवेंचर यहाँ पे मिल जाएगा सर आपको। जैसे जिप लाइन हो गया, बर्मन ब्रिज है, वैली क्रॉसिंग है, रॉक क्लाइंबिंग है, एप्पल गार्डन है, फन वर्ल्ड है। अल्टो का संजली गाँव है, यहाँ से 33 घंटा भी है सामने जो गाँव है। संजली गाँव है, यहाँ से 33 घंटा भी है, बॉलीवुड स्टार उसी गाँव से। अच्छा, संजोली से? हाँ, संजोली गाँव से, शिमला का संजोली गाँव है। संजोली पहाड़ है जो यहाँ पे, मतलब पहाड़ पे जो घर बना हुआ है सबका, ये सब तो पर्सनल घर है ना? तो पर्सनली मतलब यहाँ पे जमीन का हिसाब क्या है, कोई खरीद बिक्री कब्जे किया जाता है रजिस्ट्रेशन की टाइम? अच्छा, जैसे मैंने घेर लिया कि जगह इतनी मेरी है तो मैंने घेर लिया, मेरी होगी। अच्छा, उसी तरीके से अभी तक जो जिसका है उसी का है। हाँ, उसी का है। कब्जे के हिसाब से कब्जा, पहले कब्जा हुआ है, अब तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे सारा कर दिया है, कुछ फॉरेस्ट के हुआ है, कभी किसी के नाम हुआ है। क्योंकि ये देखे ना तो अचानक से मन में मतलब आया क्वेश्चन कि आखिर, क्योंकि घर जो है ना एक पर एक सीढ़ी के थ्रू चलते गया है ऊपर। हाँ, है ना, बना हुआ बेचे हुए ना भैया, जिसका इतना जगह होगा उसने 10 जगह बेचा हुआ। अच्छा, फिर कॉलोनी बन गई पूरी। हाँ, थोड़ा आपने खरीद लिया, थोड़ा मैंने खरीद लिया, थोड़ा किसी और ने खरीद लिया, उस वजह से फिर कॉलोनी बन गई। अभी तक आपका नाम नहीं पूछे? राहुल शर्मा। हाँ जी सर। तो ये हमारे साथ जो है घुमाने के लिए जा रहे हैं जो कुफरी, इनका नाम है राहुल शर्मा, और काफ़ी अच्छे हेल्पफुल हैं, जो भी बात इसे पूछ रहे हैं वो अच्छे तरीके से डिफाइन करके बता रहे हैं, बिल्कुल पूरी अच्छे तरीके से। सो गाइस, ये है कुफरी का फर्स्ट फ्लोर ग्रीन वैली, इधर ये देख रहे हैं जो भी ये ग्रीन वैली है, इसे ग्रीन वैली कहा जाता है। और थ्री इडियट मूवी का गाना बहती हवा से था, जो यहीं पे उसे शूट किया गया था। के बाद इतना भाग दौड़ हो गया कि टाइम नहीं मिला हम लोग को, क्या खाना खाने का भी नहीं मिला है, बिना खाना पीना खाए हुए हम लोग घूम रहे हैं। अभी आएगा भी आपका सेकंड पार्ट, ऊपर ओनली आपका 5-स्टार होटल है, जैसे लंच करने जाते हैं या ब्रेकफास्ट करने, ठीक है सर। नीचे आपका खादी गवर्नमेंट का शॉपिंग का है, गवर्नमेंट का मतलब आते टाइम भी आप उसको देख सकते हैं कि वो शॉप लेट तक खुली रहती है, मेन चीज जो है ना। अभी आगे कर लेंगे कवर, उसको बेचते नहीं भी है गवर्नमेंट, बस अच्छा म्यूजियम की तरह सेल करते भी उसको।
मतलब गवर्नमेंट ना सेल करते है खाली, गवर्नमेंट का फायदा 4 साल बाद। जब 4 साल बाद इसको आप यूज कर रहे ना, यूज करके वापस ले रहे तो शॉल फ्री होगी आपके। एक होती पश्मीना शॉल, उसके लिए अलग से कुछ पेमेंट करना पड़ता है। वो होटल से ला करके हम लोग को यहाँ एक पॉइंट होता है कुफरी गांव का, ये गांव है कुफरी, और उस जगह पे उस पॉइंट पे हम लोग को लाकर वो कार से छोड़ दिए। उसके बाद से यहाँ पे फिर हम लोग को पेमेंट करना पड़ा, दो लोगों के बीच में हम लोग 3500 रुपये यानी 3500 रुपये हम लोगों ने पेमेंट किए, और उसके बाद आगे की एक्टिविटीज़ का जो है वो पेमेंट किए हैं हम लोग 3500 रुपये। तो बाकी जो एक्टिविटीज़ करेंगे हम लोग की सारी वीडियो हम लोग बनाएंगे, और उसके बाद आपको वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ को हम लोगों ने सेलेक्ट किया है, और देखते हैं आगे कैसा है उसका एक्सपीरियंस होता है और क्या भी होता है उसका, देखते हैं आगे आपको देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल अभी ये कुफरी विलेज का ये नज़ारा है, और इस जगह तो अभी हम लोग यहाँ पे आ गए हैं कुफरी के लास्ट विलेज में, और यहाँ पे हम लोग हॉर्स राइडिंग करेंगे। लगभग 3 किलोमीटर जाना है और 3 किलोमीटर आना है, अप डाउन 6 किलोमीटर के लगभग हॉर्स राइडिंग करेंगे। तो ये सारे यहाँ पे हॉर्स लगे हुए हैं, इसी पे से बैठना है, देखते हैं। लगभग 3 किलोमीटर जाना है और 3 किलोमीटर वापस आना है, टोटल 6 किलोमीटर का हॉर्स राइडिंग है, और पर पर्सन 500 रुपये है हॉर्स राइडिंग का। 500 रुपये मैंने दिया है और 500 रुपये प्रीतम प्रसाद गुप्ता ने दिए हैं, 500 रुपये। और हमारे साथ में ये घोड़े के वो मालिक हैं, साथ में जाएंगे हम लोग को राइड कराएंगे। देखते हैं घोड़े पर बैठने के बाद, तो लाइफ में पहली बार घोड़ा पर बैठा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। अब देखते हैं कि आगे कैसा एक्सपीरियंस होता है, ये बताते हैं। चले सर, आप साथ में रहोगे ना? क्या करना होगा? अरे आप इस अरे यार इसको देखो यार, साथ में रहिएगा। कमर का जो है ना बैंड बजने वाला है आज। कमर का बैंड बज चुका है। अरे आप इससे कमर का बैंड जबरदस्त का बजने वाला है इसमें तो कोई नहीं नहीं राइडिंग नहीं करना है चाचा, राइडिंग नहीं करना है चाचा, अभी तक मैं डर लग रहा हूं चाचा, राइडिंग नहीं करना है मेरे को। यही यही सही है हम लोग के लिए, बस इतना काफी है, इतना काफी। लाइफ में फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम दोनों का, फर्स्ट टाइम घोड़े पे बैठ रहे हैं। घोड़ा अब बस हां बस घोड़े पे बैठने दीजिए, राइडिंग कोई जरूरी नहीं है। नहीं ना राइडिंग ना बाबा ना, बस यही मजा कहर है मेरे लिए कहर। हम ग्लव्स लिए ठीक किए ना तो हम नहीं कर पाते हैं। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अच्छा अच्छा पॉजिटिव कमेंट्स कीजिएगा, नेगेटिव बिल्कुल नहीं, ये तो डिमोटिवेट होकर फिर आपको ऐसा वीडियो देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब मेरे साथ मेरा प्रमोशन, मेरा नया चैनल। हाँ हाँ ये नया चैनल है हमारे छोटे भाई, छोटे भैया है हमारे प्रीतम प्रसाद गुप्ता, और इनका चैनल है ब्लॉगर प्रीतम के नाम से, और ये सारा राइडिंग आप इनके चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। चलो बे टाइगर, अरे इसका टाइगर है, उनका अलग मेरा वाला टाइगर, मेरा गुड्डू, टाइगर वॉश टाइगर, बस धीरे धीरे चलो, हम तुमको ज्यादा दौड़ाए। थम जा ठहर जा, ये पार्किंग पार्किंग। तो यहाँ पे याक का मेला लगा हुआ है, जिस तरह से नीचे घोड़े का मेला लगा हुआ था यहाँ पे याक का मेला लगा हुआ है। याक पे बैठिए, टोपी पहनिए, बंदूक पकड़िए, शूटिंग कीजिए,
फोटो खिंचाई है। चला है मेरा भुट्टा बच गया सर। सिक्के वाले सिक्के लगाने के लिए ना इधर में। ये देखिए ये एडवेंचर गाड़ी यहाँ पे लगा हुआ है। अभी हम लोग नेक्स्ट एक्टिविटी यही करने वाले हैं। अगला एक्टिविटी हम लोग यही करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग की महिंद्रा का गाड़ी लगी हुई है और इस पे हम लोग एडवेंचर करेंगे। हमको लगता है कि शायद इससे एडवेंचर करेंगे, नीचे जाएंगे और नीचे से आएंगे। पता नहीं किस टाइप का एडवेंचर होगा, कभी तो गया नहीं है, फर्स्ट टाइम आए हैं। देखते हैं इस पे एक्टिविटी करके कैसा एक्सपीरियंस होता है। तो हम लोग गाड़ी अभी हो गई है रेडी और हो गई स्टार्ट। तो यहाँ से चल रहे हैं एडवेंचर के लिए। देखते हैं कैसा रहता है मोबाइल कैमरा है। इतना छोटा आता है क्या ये? ये तो वो कैमरा अंडर वाटर होता था। अच्छा जिसमें मिस्टर इंडियन हैकर शूटिंग करता है। यस मिस्टर इंडियन हैकर। ठंडी लग रही है। ये पकड़े रहो बड़े बड़े। ओ पकड़े रहना बाबू, पकड़े रहना, यही है एडवेंचर। चूतिया बनाने का ठेका ले लिया इन लोगों ने। हाँ 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 पैसा लूट है बस। लूट लो जितना लूटना है लूट लो। एप्पल गार्डन में हेली जमा करके लाए हैं, ले जाओ। एप्पल गार्डन में हेली का ये एप्पल गार्डन है ना? एप्पल गार्डन ये नहीं है, अरे तो एप्पल का पहाड़। भैया का यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब में इनका। हाँ मेरा यूट्यूब चैनल है। ट्रैवलिंग दोस्त करने के लिए लोगों को बोलना नेगेटिव नहीं। वो मेरे को पापा ट्रैक वाला नहीं, ये अडल्ट ये रहा वाला चलाने के लिए, ये रहा कार चलाने वाला 1000 वाला जो ये। हां 1000 ना देखो करने वाला, ये चला ही नहीं रहा, इतना महंगा है। 100-200 होता चला लेते। वाला 10 राउंड का अंकल मेरी वीडियो बना के डालना, एकदम जाएगा। हम लोग कितने हैं यहां पे? सारे लोगों का वीडियो जाएगा, सब लोग का रिकॉर्डिंग हो रहा है। आप लोग सब पूरा पैकेज इंक्लूड लिए थे यहाँ? अभी नीचे मतलब बुकिंग यहाँ 2000 पर पर्सन पूरा 12 का नहीं, मतलब केवल यहाँ का रूम तो ऑनलाइन बुक किया। 2000 रुपया कितने लोग हैं आप लोग? अरे हम लोग 12 लोग हैं। अच्छा क्या क्या उसमें बताया है? कुछ नहीं, चार गार्डन दिखाएगा और। अच्छा एक वो करवाएगा एडवेंचर, जिप लाइन करवा देंगे। ये जिप लाइन वही आगे, पहले तो ही आधा घंटा लगाएगा। ये जिप लाइन आपको भी करवा रहा है हिमरॉक? अरे बस कहां उतर गए, यहीं से उतार के रास्ता ये है ना, हमको लग रहा है आपको भी ये करवा रहा है। करेंगे नहीं दीदी लोग का ले लो, को मेरी बहन का ले लो बस। हम इधर ये वो वाला है क्रेजी एक्स वाई जेड यहाँ से आगे का देखा जाएगा। बच्चे लोग भी हैं साथ में, अरे पंद्रह गेम का मजा लेने निकल रहे हैं। देखते हैं क्या क्या आगे गेम है बाकी।
यहाँ पे जिप लाइन हो रहा है। तो अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पर एक और एक्टिविटी के लिए, जिप लाइन। जो डबल दोनों साथ में। इकबाल भैया साथ में ना, इकबाल भैया साथ में ना जी, यूट्यूब वाला आ गया। हेलो भैया इधर भी करो यार। गाइस बस यही गाइस है हमारे जो राइड के लिए पूरे सेफ्टी तरीके से पैक करके हम लोग को लेकर जाने वाले हैं। ये है पाजी मनु बा। ओ माल ले साथ आओ, नहीं जा सकते। जो आप कौन जा रहे हैं अंकल बाबू? पीछे रहना हमारे से, नहीं जाने से बच्चे ना। पीछे ना भैया, वायर से पीछे को, बैक साइड में दादा। क्या बैक साइड? तार से पीछे खड़े होना है आपको। अच्छा इधर। हाँ जी भैया। कौन से नाम से चैनल बनाया? ट्रैवलिंग दोस्त। ट्रैवलिंग दोस्त। गलती की हमको भी बना के लाना था, हम यहाँ से ये रिकॉर्डिंग करने के बाद बना के लाएंगे। तो यहाँ पे चैनल का भी चार प्रसार भी हो रहा है, लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं चैनल। बैठ जाए ऐसे। हाँ जी हाँ जी, रुकिएगा, रेडी कहेंगे तब। कैसे? ठीक है, ठीक है, चलो आगे। साइड हो जाओ मैडम, कॉम्प्लीमेंट दे देंगे। चलिए लेग जॉइंट करो, ऐसे पैर से पैर एक दूसरे से भैया। अच्छा ऐसे जॉइंट करो, ऐसे। हाँ हेड बैक वहाँ नहीं टच करना, ओके। हाथ छोड़ के ठीक पक रहे हैं, ठीक है, ओके, एंजॉय भाई। रेडी? ओके, वन टू थ्री थ्री। वो अंकल फोटो ले रहे स्वीटी स्वीटी हेलो चुप इधर देखो, चुप भैया बुला रहे हैं। इधर मुड़ के, इधर मुड़ के, से हाय। अच्छा आप नहीं जू ना, पीछे पीछे ये तुम्हारे भैया इंतजार कर रहे हैं।